हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी घर में रखी हुई चीजों से बनाई गई है। अभी अभी त्योहारों का टाइम खत्म हुआ है, घर में केल, बतासे, मुरमुरे ये सब पड़े रहते हैं। मैंने सोचा चलो आज मैं इसका कटलेट बनाती हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है खील के कटलेट। धान का जो लावा होता है उसका मैं कटलेट बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स एंड कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम धान का लावा यानी खील लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं इसे पानी से भिगो दूंगी। इसे मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी। चारों तरफ से बराबर पानी डालेंगे और इसको हल्के हाथों से धो देंगे। देखिए मैंने इसको धो लिया है, सारा पानी नीचे निकल गया। अब मैं इसे एक साइड कर दूंगी जिससे पानी इसका निकल जाएगा और इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए सारा पानी निकल गया है। अब मैं इसमें 2 कटे प्याज, 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन ग्रेट किया हुआ, हरी धनिया और आधा नींबू डालूंगी। सबसे पहले मैं उसमें प्याज को डाल लूंगी। अदरक डाल दिया, लहसुन और धनिया उसको भी मैं डाल दूंगी। हरी धनिया थोड़ा ज्यादा डालेंगे जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है। 4 ब्रेड को मैंने तोड़ करके डाल दिया है। ब्रेड के टुकड़े को छोटे छोटे कर लूंगी। जो भी बड़े टुकड़े हैं मैं इसको छोटे कर लिया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा डालूंगी। मैंने सारे आटे को डाल दिए। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने डाल दिया। आधा नींबू मैं निचोड़ दूंगी। नींबू को मैंने निचोड़ दिया है। अब इसके छिलके को हटा दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। चारों तरफ से हाथों से दबा दबा करके इसको मिलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी पानी के छींटे को डालूंगी। मैंने गिलास में पानी लिया है और 2 बार छींटा इसे मारेंगे। अब मैं इसे बराबर चारों तरफ से मिला लूंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी और डालूंगी। मैं चारों तरफ से इसको बराबर घुमा घुमा करके मिला लिया। अब मैं इसमें 1/1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से सॉफ्ट हो जाता है। देखिए चारों तरफ से मैंने मिला दिया है और इसको एक तरफ समेट करके मैं रख दूंगी। डो तैयार हो गया है। अब मैं कटलेट का शेप दूंगी। हाथ में सबसे पहले ऑयल लगा लूंगी और थोड़ा सा डो हाथ में लेकर के उसे मैं कटलेट का शेप दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से गोली बना लेंगे और उसे लंबे साइज में करके उंगलियों से दबा करके उसे शेप दे दूंगी। मैंने एक तैयार कर लिया है। अब मैं दूसरा तैयार करती हूँ। तीसरा भी मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह करके मैं सारे कटलेट को तैयार कर लूँगी। कटलेट को मैंने तैयार कर लिया है। चलिए इसे शैलो फ्राई करते हैं। मैंने पैन चढ़ा रखा है, ऑयल भी डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। एक एक करके मैं सारे कटलेट को डाल दूंगी। पहले 3-4 कटलेट डालेंगे और उसे पकने देंगे। नीचे जब अच्छी तरह सिक जाएगा फिर मैं उसे पलट दूंगी। देखिए ये नीचे सिक गया है, हल्का ब्राउन हो गया है, इसलिए मैं इसे पलट देती हूँ। ये धान के लावे से बना है इसलिए ये जल्दी पक जाता है। मैंने दूसरी तरफ भी पलट दिया है। देखिए ये भी पक गया है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये और बनाने में टाइम भी नहीं लगता, झटपट तैयार हो जाता है। सारे मटेरियल्स आपके घर पे ही मिल जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। टेस्टी बहुत होता है और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। अब ये तैयार हो गया। एक एक करके मैं सारे को निकाल लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये।
कटलेट खाने में बहुत अच्छा लगता है। खट्टी मीठी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। मैंने सबको एक एक करके निकाल लिया है। कटलेट बन के तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। कटलेट बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत बना है और खाने में भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसा बना है। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए।